बाप नागा भी पराजय ना मुझे भय काही। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आज मैंने सेक्टर 28 की रामलीला में सहस्त्रबाहु का कैरेक्टर निभाया। तो ये सहस्त्रबाहु जो दिखाया गया है कैरेक्टर, जिसमें बहुत ही दम और पावर थी, फिर भी एक उसका अंत, जिस जो पृथ्वी पर आया उसका अंत लिखा गया है। तो जिस तरह से आपका इस लीला के दौरान आज अंत दिखाया गया है, तो उस पात्र को आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचाते हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जैसा देखा कि मेरा नाम सहस्त्रबाहु है, मतलब जिनके 1000 भुजाएँ थी, तो इससे ये पता चलता है कि बुराई कितनी भी ऊँची या बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित होता है। एक ना एक दिन वो हारी जाती है, इसलिए कभी हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए। ये तो रही बात जिस तरह से कोई बुराई की, कोई बुराई करता है तो उसका अंत निश्चित ही लिखा गया है, लेकिन अगर हम ये भी देखें कि एक वो बहुत बाहुबली है, उसके पास सभी तरह की पावर्स हैं, तो आज सतयुग छोड़, मतलब अब कलयुग की अगर बात करें, तो अगर किसी के पास इस तरह से कोई शक्तियाँ अगर हैं, तो वो किस तरह से अपना चलन रख सकता है? जी, मैं कहूँगा कि अगर किसी के पास इतनी पावर है और वो इतना बलशाली है, तो उसे अच्छे कामों में ही अपना ये सारा लगाना चाहिए, ताकि देश का अच्छा हो सके, समाज का अच्छा हो सके। तो जिस तरह से अब सीन में तो ये दिखाया गया है कि परशुराम, भगवान परशुराम जी के द्वारा एक बाहु, सहस्त्रबाहु का अंत हुआ था जी। तो फिर भी आप अगर कहना चाहें तो परशुराम जी के बारे में आप क्या कहेंगे? परशुराम जी से खुद ही पूछ लेते हैं, हमारे साथ में ही है। ये रहे परशुराम जी। असंभव को संभव करने वाले का नाम है परशुराम। नमस्ते, मेरा नाम है सुनील मेहता और आज मैं यहाँ पे सेक्टर 28 की रामलीला में परशुराम का कैरेक्टर निभाया है। तो इस कैरेक्टर के बारे में रामायण में जो दिखाया जा रहा है, उसके बारे में आप लोगों तक क्या मैसेज पहुँचा रहे हैं? जिसमें बहुत अच्छा मैसेज ये है कि अपने पिताजी और माताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जैसे कि आपने सीन में देखा था। और आज के दौर पे हम इसे इस तरह से लेके जा सकते हैं कि जैसे कि एक परिवार को हम साथ में किस तरह रख सकते हैं, अपने परिवार को बांध के किस तरह रख सकते हैं, एक साथ कैसे रख सकते हैं। अगर बात की जाए कि आप माता पिता के कहने पर चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो अच्छी प्राप्ति रहती है। जी, इस सीन में आपने अपनी माता का जो है वध किया था, उसका क्या कारण दिखाया गया है? जी, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि सबसे पहले वो पिताजी की एक आज्ञा थी उनके पास, कि उन्होंने आज्ञा दे दी थी। दूसरे जो शिव भगवान थे, उन्होंने भी यही बताया था कि अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना, चाहे जो भी हो जाए। उसके बाद वो लास्ट में जाते हैं अपनी माता के पास, वो भी यही बोलते हैं कि अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करो, उनके पास कोई चारा नहीं रहता और उन्हें पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। मतलब एक पुत्र जो है माता पिता के वचनों पर चलकर ये आगे बढ़ा था। तो आप लोगों तक कोई और संदेश देना चाहेंगे इसमें? जी, इसमें एक बहुत इसको नेगेटिव मत लेके जाना, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पिताजी ने कह दिया तो वध करना है तो वध कर ही देना है, ऐसा ना करें। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि अपने परिवार के साथ कैसे रहना है, क्योंकि आजकल परिवार साथ में नहीं रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, काफ़ी अलग हो जाते हैं कुछ परिवार। तो इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज ये है कि अपने परिवार के साथ रहो और कोशिश करें कि वो हमेशा साथ में रहें, आप सब मिलकर हम साथ में रहें। Thank you for watching NT24 News, the National Tele24 News.